महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में आई दरार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती दूरियों के बीच अब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है, जिससे बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन एक बार फिर से संकट में नजर आ रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए हमलावर रहती है, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य में दोनों पार्टियां आर पार के मूड में रहती हैं। लेकिन इस बार शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि शिवसेना जल्द ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेगी। शिवसेना की युवा इकाई के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना एक वर्ष में सरकार छोड़ देगी और अपने बल पर सत्ता में वापसी करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी सरकार कब छोड़ेगी, इसका निर्णय शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 में होना है। वैसे बीजेपी के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच शिवसेना इससे पहले भी एनडीए सरकार से बाहर होने की कई बार धमकी दे चुकी है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही शिवसेना कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है। इससे पहले भी आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि देश में अगर एक मजबूत लीडरशिप, बहुमत वाली सरकार और मजबूत इंटेलिजेंस सर्विस होने के बाद भी कोई पार्टी कहती है कि पड़ोसी देश उसके राज्यों के चुनाव में लोगों के मन को प्रभावित कर सकता है, तो सरकार क्या कर रही है, प्रचार कर रही है। लिबी लाइव की रिपोर्ट।